जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रहस्य भगवान कृष्ण का और तुलसी का। तुलसी यानी कि वृंदा, माँ तुलसी और भगवान कृष्ण का क्या ऐसा संबंध है जो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप सब सुन के हैरान हो जाएंगे। वैसे आप सबको पता होगा और अगर नहीं पता है तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी मैं आप तक पहुंचाकर बहुत अपने आप में गर्व महसूस करूंगी कि यह जानकारी मैं आप सब तक सही समय पर पहुंचा पा रही हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जो विवाह है वह माता तुलसी के साथ हुआ है। दीपावली के बाद आपने देखा है जो 11 होती है उस पर हम तुलसी विवाह करते हैं दोस्तों। और यह भी कहा गया है कि अगर भगवान के भोग में, जी हाँ, भगवान कृष्ण के जब भोग लगता है, जो प्रसाद होता है, उसमें अगर माँ तुलसी का एक दल ना हो, तुलसी का एक पत्ता ना हो, तो बिना तुलसी दल के भगवान उस भोग को स्वीकार ही नहीं करते हैं दोस्तों। तो तुलसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और बहुत ही रहस्यमय बात है कि भगवान कृष्ण और वृंदा जो है वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा ही माना जाता है। ये कह सकते हैं कि बिना तुलसी के भगवान भोग अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, वह सब मिथ्या हो जाता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी के पौधे से, तुलसी के पत्तियों से, तुलसी की मंजरी से, उसकी लकड़ी से आप कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके जीवन की सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है वह माता तुलसी जरूर पूरी करेंगे दोस्तों। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है जन्माष्टमी पर, यानी कि 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन जो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, तो आप सबको पता है कि भगवान विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण जब कारागार में थे, जब वहाँ उनका जन्म हुआ, चारों ओर उजाला ही उजाला था, रोशनी ही रोशनी थी। वैसे ही 26 अगस्त के दिन जब भगवान कृष्ण का पुनः जन्म होगा दोस्तों, तो वह जन्म आपके जीवन में खुशहाली, रोशनी, तरक्की, धन लक्ष्मी का वास लेकर आए, ऐसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप तुलसी के छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं और इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों। तो कहा जाता है कि तुलसी का तो एक एक पत्ता, एक एक कण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही प्रिय होता है गोपाल जी को, तुलसी और तुलसी का पौधा, उसकी जड़, उसकी मंजरी दोस्तों। तो अगर एक महीने तक हनुमान जी को, कितना, एक महीने तक हनुमान जी को जो भी आप भोग प्रसाद लगा रहे हैं, लड्डू लगा रहे हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, उसके साथ ही अगर आप एक तुलसी का दल जो है वो भोग में भगवान हनुमान को समर्पित करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक महीने तक भगवान हनुमान जी को अगर आप जो भोग लगा रहे हैं उसके साथ एक तुलसी का दल समर्पित करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी उसे भगवान जरूर पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में आपको भोग लेकर के पहुंचना है और तुलसी का दल लेकर के पहुंचना है और एक महीने तक आपको रोज इस प्रक्रिया को करना है। तो ऐसा करने से जो भी आपकी इच्छा, जो भी मनोकामना पूर्ण होती है उसे भगवान जरूर पूर्ण करते हैं दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हूँ मैं दूसरे उपाय की। इस दूसरे उपाय में क्या करना है आपको, माता जो जो हमारी तुलसी जी हैं, माता तुलसी का जो पौधा होता है, आप देखते हैं कि जब वह बड़ा हो जाता है, जब वो वृक्ष जैसा बनने लग जाता है, समृद्ध हो जाता है, अपनी पूर्ण चरम पर होता है, तो उसमें मंजरी आने लगती है, छोटी छोटी सी आप देखेंगे, और छोटी के साथ फिर वो बड़ी होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है, बार बार उसमें रुकावटें आ रही है, बार बार कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है ना, तो आपको उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि वह माता तुलसी की मंजरी जो वह है वह उतार दे। मंजरी उतारने से क्या होता है कि माता का कष्ट कम हो जाता है, उनका बोझ कम हो जाता है दोस्तों। तो जो भी व्यक्ति जिसका शादी विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो स्वयं अपने हाथों से माता तुलसी के वृक्ष से उस मंजरी को उतारता है, तो उसकी जो विवाह जो है वह उसके योग जल्दी आ जाते हैं दोस्तों, जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाता है, एक सुयोग वर की प्राप्ति होती है दोस्तों ऐसा करने मात्र से। और
अब मैं बताने वाली हूँ आपको एक और छोटा सा उपाय, जो कि बहुत ही सरल बहुत ही आसान सा है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ही बीमार रहता है, बहुत ही दुखी रहता है, या डिप्रेशन जैसी उसको प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीमारी उसके जीवन में है जो जा ही नहीं रही है दोस्तों, तो आपने क्या करना चाहिए, हरा पौधा तो तुलसी का बहुत ही उपयोगी बहुत ही लाभदायक होता ही है, साथ ही साथ सूखी पत्तियाँ या फिर उसकी सूखी लकड़ी भी अगर आपके पास है दोस्तों, तो आपको जल में उस पत्ती को उस लकड़ी को घुमा करके उस जल से उस व्यक्ति को स्नान करा देना है। चले दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ एक और बहुत ही विशेष उपाय तुलसी के पौधे का, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक सभी को करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं तुलसी की मिट्टी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है, तुलसी के पौधे के नीचे की गमले की जो मिट्टी होती है, अगर आप उसका तिलक लगाते हैं, प्रतिदिन आप उसका तिलक लगा करके जाते हैं, तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है दोस्तों, साथ ही साथ आपकी सम्मोहन की शक्ति भी बढ़ती है। तो इस छोटे से उपाय को आप अवश्य करें, आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी का बस एक तिलक लगाना है, और इससे आपके जीवन में खुशियां ही होंगी दोस्तों। तो बस इस छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलते रहें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।